महिला बता रही है कि कैसे इसको चलाना चाहिए। दही से घील निकालने के लिए बिलोना पड़ता है और ये बिलो रही है। ये पनियारी का सीन यहाँ पर देखिए, नृत्य भी हो रहा है। देखिए मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के दीपक, कलश कैसे बनते हैं ये सिखाया जा रहा है। वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास सुजानगढ़। नमस्कार, ऐसे सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिव कुमार तिवारी। इसमें राजस्थान के चुरू जिले के चाड़वास गांव में होली महोत्सव चल रहा है। देश विदेश से चाड़वास के ओसवा समाज के लोग आए हैं और 3 दिन का भव्य कार्यक्रम हो रहा है। आज चाड़वास कार्निवल का आयोजन किया गया है जिसमें राजस्थान की संस्कृति दिखाई जा रही है। ये मानकों में रैली वाली जो महिलाएं हैं वो पुरानी चीजों को याद कर रही है। कोई मटका उठा के पानी भरा है, कोई भूपा भोपी का नृत्य देख रहा है, कोई रावण अत्ते बजाने की कला सीख रहा है। अनेक तरह की दुकानें यहाँ पर लगी हुई है। म्यूजिकल चेयर जैसे बच्चों के खेल खेले जा रहे हैं। आइए चाड़वास में आज होली महोत्सव 2024 के दूसरे दिन के कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। ये देखिए पुरानी चीजें बिलोना, महिला बता रही है कि कैसे इसको चलाना चाहिए। दही से घील निकालने के लिए बिलोना पड़ता है और ये बिलो रही है। और पानी कैसे लाते हैं ये भी है। पनियारी का सीन यहाँ पर देखिए, नृत्य भी हो रहा है, ले रहे हैं सभी। देखिए ये गांव के दृश्य है। देखिए मेमना है बकरी का और इधर आप देख रहे हैं रावण हत्ते को सुनने का आनंद लिया जा रहा है। ये बजाने का प्रयास कर रही है, गोपी बन रही है, लेकिन ये बजाना भी इतना आसान नहीं है। देखिए ये प्राचीन जो है वाद्य यंत्र राजस्थान का रावण हत्ता इसको कहते हैं और भोपा भोपी बाबू जी की पड़ जैसे गीत होते तो नहीं तो बुद्धि तो काम इसी तरह कोई है। इस समय चाड़वास कार्निवल का दृश्य आप देख रहे हैं। निश्चित रूप से शानदार आयोजन इसमें राजस्थान की लोक संस्कृति को दिखाया जा रहा है। ये देखिए राजस्थान का पुराना ये वाद्य यंत्र है रावण हत्ता। और मैं देख रहा हूँ विक्रमचंद जी वेद भी मौजूद है जो की संयोजक है इस कार्यक्रम के। 3 दिवसीय कार्यक्रम में देश विदेश से ओसवाल समाज के लोग आए हैं और पूरा आनंद ले रहे हैं, एक पल का मजा ले रहे हैं। देखिए महिलाएं रावण हत्ता बजाने की रंग बिरंगी रे आहोड़ी चाड़ी वासरी गाना भी गाया जा रहा है। देखिए ये दृश्य बहुत ही सुंदर है। देखिए ये बच्चे, इन्होंने देखा नहीं है ये बकरी का मेमना। महानगरों में देने वाले लोग हैं, बकरियां तो अब गांव में रह गई है। मेरा मलिया सा जीने अब रूते आई रे मारी जोड़ी राजेला, ओ मेरे गानेरी राजेला मैं तो यहाँ पर खींचा खींचड़ा कुटा जा रहा है। देखिए बहुत आनंद ले रहे हैं। देखिए सभी एक एक चीज का, ये देखिए बिलोना हो रहा है, बहुत आनंद लिया जा रहा है सभी के द्वारा। यहाँ पर कठपुतली का खेल हो रहा है। राजस्थान की पूरी संस्कृति प्रदर्शित की गई यहाँ पर। देखिए सभी कठपुतली का खेल देख रहे हैं।
सारे नक्षत्र देखे जा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है इन सबके ग्रह नक्षत्र तो अच्छे हैं तभी यहाँ पर आए ये लोग। निशानेबाजी यहाँ पर हो रही है, पर निशानेबाजी का आनंद लिया जा रहा है। ये देखिए दोनों मिलकर निशाना लगा रहे हैं। चूक गया निशाना, नदी के छापे यहाँ पर। देखिए सभी आनंद ले रहे हैं एक चीज का, पर जादूगर है जो जादू दिखा रहे हैं और बच्चे जादू देख भी रहे हैं। कैसा लगा? बढ़िया लगा, अच्छा लगा। ये वाला मैं भी करता हूँ, आपने देखा कौन वाला? ये आप अच्छे ले रहे हैं। आज भी ऐसी होती है, प्रतियोगिताएं चल रही है आज भी। बच्चों को दिखाया जा रहा है, आप देख सकते हो। पोजीशन तो बनाया था, फर्स्ट हो गई थी। यह गेम खेला जा रहा है, देखिए सभी मजा ले रहे हैं खेलों का। देखिए इनाम दिया जा रहा है, ये देखिए ये नंबरों पर खिलौने रखे गए हैं और ये पासा फेंका जाता है, जो नंबर आता है देखिए गाड़ी कहाँ पहुँचती है, ये प्लेन कहाँ पहुँचती है, बाइक कहाँ पहुँचती है, उसके आधार पर प्राइज दिए जा रहे हैं। बहुत सारे गेम यहाँ पर खेले जा रहे हैं, मिट्टी के बर्तन बनाने सिखाए जा रहे हैं यहाँ पर। राजस्थान का ये परंपरागत कार्य कुमार जाति का, ये देखिए मिट्टी का दीपक बनाया जा रहा है। यहाँ सामने आ जाइए सामने। दोस्तों मैं इस समय आपको चाड़वास का नजारा दिखा रहा हूँ, जहाँ पर चाड़वास होली महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। दूसरे दिन आप देख रहे हैं राजस्थान की जो पुरानी परंपरागत चीजें हैं वो यहाँ पर प्रस्तुत की जा रही है, और ये युवा जो महानगरों में रहते हैं जो इन चीजों को कभी देखते नहीं है उनको देखने को मिल रहा है। कहीं भोपा भोपी का जो खेल हो रहा है, कहीं बिलौना चल रहा है, कहीं बकरी के मेमने लोग देख रहे हैं, कहीं निशानेबाजी हो रही है। तो यहाँ देखिए मिट्टी के बर्तन कैसे बनते हैं ये बताया जा रहा है। देखिए ये देखिए दीपक बनाया जा रहा है। क्या नाम आपका? जिया। जिया कहाँ रहती है आप? सूरत। सूरत रहती है। कितना अच्छा लग रहा है ये सब, दो दिन से आप ये सब कर रही है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा आपने पहले ये देखा है बर्तन कैसे बनाते हैं? कभी देखा था पहले? नहीं, पहली बार देख रही है। तो इतना सुंदर दीपक आपने बना लिया, आपको विश्वास हो रहा है कि मैं बना चुकी हूँ ये? देखिए ये युवा लोग हैं जो वास्तव में, आप आगे आइए बनाइए पहले। देखिए ये दीपक इनसे बनवाए जा रहे हैं, ये देखिए बड़ा पीछे। देखिए इनको बताया जा रहा है, हम सबसे पहले आज ये देखिए कितना सुंदर तरीका है, और ये देखिए ये ओरिजिनल इस धागे से इसको निकाल लिया गया है, और ये देखिए दीपक बनकर तैयार हो चुका है। क्या नाम आप? चारू जैन। आप कहाँ से आइए? यहीं से हूँ। यहीं से हो, यही रहती है? तो पहले देखा आपने ये बर्तन बनाता हो कभी? नहीं देखा, पहली बार? पहली बार। और ये तीन दिन का जो कार्यक्रम चल रहा है बहुत मजा ले रही है आप, इसका आनंद आ रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे अच्छा क्या लगा आपको? अभी मिट्टी के बर्तन पे आई हूँ तो यही अच्छा लग रहा है। क्या बात है, देखिए मिट्टी के बर्तन बनाने सिखाया जा रहा है इनको। देखिए मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के दीपक कलश कैसे बनते हैं ये सिखाया जा रहा है। युवाओं को बहुत पसंद आ रहे हैं ये सारी चीजें। दूसरा रहेगा
आज की जो म्यूजिकल चेयर प्रतियोगिता हुई है उसके प्राइज दिए जा रहे हैं। विक्रम चंद जी वैद जो कि संयोजक हैं चाड़वा सोली महोत्सव के, उनके कार्यक्रमों से दिया जा रहा है। विभिन्न प्रतियोगिताओं के प्राइज दिए जा रहे हैं। अगर उनके परिवार से भी कोई हो तो यहाँ पे आ जाए उनका गिफ्ट कलेक्ट करने के लिए। मोनिका जी वैद को सम्मानित किया जा रहा है प्रतियोगिता के लिए। विक्रम चंद जी वैद की पुत्र वधु है। ये देखिए विक्रम चंद जी भी पहुँच गए हैं। अब है मिट्टी के लड्डू बनाए बच्चों ने, उनको प्राइज दिया जा रहा है पवन जी वैद के द्वारा। आज दूसरे दिन के कार्यक्रम का सभी आनंद ले रहे हैं। चाड़वास का दृश्य आप देख रहे हैं। चाड़वास होली महोत्सव 2024 के अंतर्गत इस समय प्राइजेज बांटे जा रहे हैं। कल की प्रतियोगिताओं के नींबू दौड़ के प्राइज दिए जा रहे हैं। गुलाब चंद जी वैद की दंपति जी के द्वारा प्राइज दिलवाए जा रहे हैं। पुरस्कार वितरण समारोह चल रहा है इस समय। जिनको भी हाउसिंग सीनियर सरोज बटेरा चक्रिया में खजानो खेल हुई है। देखिए बच्चे हर खेल का मजा ले रहे हैं। ये चक्री फेंकी जाएगी, जिस चीज में गिर जाएगी इस सर्किल में जो गिफ्ट आएगा वो बच्चों को मिल जाएगा। ये देखिए शैम्पू, ये देखिए शैम्पू जीती है बच्चे ने। शैम्पू जीता है इसको ये दिया जा रहा है। ये देखिए बच्चे ने बिस्किट जीती है। ये देखिए मंजन भी लगभग जीत ही लेता है। ये इस रिंग में जो चीज आ जाती है वो इनाम में मिल जाती है। ये देखिए प्राइज जीत लिया है बच्चे ने। ऐसा बच्चा भी खेल रहा है। सभी खेलों का मजा ले रहे हैं। ये बचपन में जो टोफियां हम खाते थे वो सारी चीजें वही चीजें क्या कह रहे हैं, वो क्वालिटी नहीं है, वो स्वाद भी नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो चीज़ें नहीं है, क्योंकि पहले जीरे वाली नींबू रस की सब चीज़ें होती थी। ये देखिए सभी स्वाद जरूर ले रही हैं। आप मत ही रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करो। देखिए एक एक चीज को टेस्ट किया जा रहा है। एक मिनट ये बताइए, ये चीजें बचपन में खाई आपने? ये टोपियाँ अच्छा वो याद आ रही है। वो टेस्ट है इसका पहले जो बचपन में वही है, मजा आ रहा है। देखिए सारी राजस्थानी चीजें खारिया छाला ये देखचियाँ जो रसोई से गायब हो गई ये चीजें सब। और ये देखिए अब आप देख रहे हैं चक्की चलाई जा रही है। मैंगो एयर कूलर दोस्तों मैं चाड़वास का दृश्य दिखा रहा हूँ। चाड़वास होली महोत्सव में आप देख रहे हैं कि आज जो मेला लगा है उसमें राजस्थान की पुरानी परंपरागत चीजें दिखाई जा रही है। ये महिलाएं ये बच्चे जो महानगरों में रहते हैं और शायद इन्होंने ये चीजें नहीं देखी होगी। बुजुर्ग महिलाएं इन्होंने देखी है, चलाई भी है। ये देखिए चक्की, और कहा जाता है कि पहले महिलाएं सुबह उठकर चक्की चला के आटा पीसती थी, स्वस्थ रहती थी, लेकिन ये चीजें अब नहीं रही है। ये देखिए गेहूँ डाला जा रहा है, आटा पीसा जा रहा है। क्या नाम आपका? ज्योति बेंगानी। क्या नाम आपका? ज्योति बेंगानी। ज्योति आपने पहले चलाई कभी चक्की? हाँ छोटे थे तब दादी साहब के पास चलाते थे ऐसे, पर ये बहुत दिनों के बाद चलाया, अच्छा लग रहा है। नहीं आटा पीसा पहले? हाँ, बहुत सारा पहले बहुत सारा ने ऐसे ट्राई किया हुआ है। ट्राई किया हुआ है हाँ, पर आज अच्छा लग रहा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रेखा। ये बताइए आपने कभी चलाई है बचपन में चक्की? नहीं मैंने नहीं चलाई, आज फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। घरों में तो ऐसा ही चक्की आपने? नहीं हमारे घर पे नहीं है, छोटे थे तब देखा था। कितना अच्छा लग रहा होली महोत्सव में सब चीजें देखकर? अच्छा लग रहा है एकदम, बहुत सारी चीजें हैं इधर पुराना, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए डॉक्टर भी कहते हैं कि चक्की चलाना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहता है,
कंप्लीट शरीर की एक्सरसाइज होती है। और देखिए कितने मजे से चला रही है और महिला पीछे बैठी है। आपको किसी का मजा चाड़वास है तो आपके घर ले हो चुकी है। रोज ही चलो रोज। अब देख लो ये आपकी उम्र कितनी हो गई? 50 एकदम स्वस्थ आप। एकदम ये देखिए खरी एकदम स्वस्थ हूँ। 50 वर्ष की उम्र है और रोज चलाती है इसी से पिसा हुआ आटा खाते। बहुत सारे गांव में लोग ऐसे हैं जो मशीन वाली जो आटा चक्की है उसका आटा नहीं खाते, घर में पीस के आज भी खाते हैं और उन घर की महिलाएं स्वस्थ भी रहती है। देखिए ये महानगरों में रहने वाली महिलाएं हैं और अब तो महानगरों में आटा चक्किया भी नहीं है, थैली वाला आटा खाते हैं। लेकिन आज इनको आटा चक्की चलाने की ये जो मौका जो मिल रहा आप देख रहे हैं, चक्की नहीं ये घट्टी इसको कहते हैं, घट्टी चला रही है। ये देखिए एक और महिला चला रही है, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम आप? सुमन कुंडलिया रतनगढ़। चलाई है चक्की? हाँ बहुत चलाई हुई है। हाँ। आपका वजन कम है मुझे लग रहा है। हाँ, बहुत चलाई है। हमारी सासू माँ ने बहुत पापड़ का आटा धनिया मिर्ची सब पिसाया हुआ है। चक्की चलाने वाली महिला बिल्कुल फिट नजर आ रही है। एज कितनी होगी आपकी? एज आपकी 63 साल। देखिए फिट है फिर भी, जो आटा चक्की चला चुकी है वो स्वस्थ रहती है। गाडुल और रमतियारो देखो यहाँ पर बच्चों के खिलौने, पैरो चूड़ी पाटला लाख की चूड़ियां बनाई जा रही है। देखिए और ये देख भी रहे हैं कि चूड़ियां बनती कैसे है, क्योंकि इन्होंने बनी बनाई खरीदी है महानगरों में। गांव में आज भी, छोटे शहरों में आज भी लखारा जाति के लोग चूड़ी पाटला बनाते हैं और इनकी दुकानें बाजार में होती है, कोई भी देख भी सकता है बनाते हुए, लेकिन महानगरों में ऐसा नहीं होता है। ये देखिए कोयला जलता हुआ, इस पर इनको तपा के फिर चूड़ी को आकार दिया जाता है। फिलहाल इसको यूज किया जा रहा है पहनाने के लिए, गर्म किया जा रहा है। ये लड़कियां ये महिलाएं देख रही है ये बनती कैसे है, ये लच्छा बन रहा है। पॉपकॉर्न ये तो महानगरों में खूब चलता है और यहाँ पर गन्ने का रस बन रहा है और लोग सभी मजा ले रहे हैं। ये देखिए अब एक गेम यहाँ पर खिलाया जा रहा है, सभी को पेपर दिए गए हैं। दोनों टिकट पे 1 से 29 नंबर तक कटेंगे, वो हो गए आपके बचपन जवानी हो गई 30 से 59 नंबर। दोनों टिकट एक रोचक खेल यहाँ पर शुरू हो रहा है। देखिए सभी बड़ी संख्या में उपस्थित है। ये देखिए सभी खेलने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। सैंडविच हो गई सेकंड लाइन। और देखिए विक्रम चंद जी भी इसका आनंद ले रहे हैं। सैंडविच के बाद में है फोटो फ्रेम हो गया और वर्टिकल। सभी को पर्चा दी गई है, नंबर है इसमें, वो आपका हो जाता है फोटो फ्रेम। उसके बाद में है गेम खिलाया जा रहा है सभी को। फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन और सिक्स्थ लाइन। सिक्स्थ लाइन के बाद हमारे पास है फर्स्ट फुल हाउस। सबके हाथों में पेपर आप देख रहे हैं। उसके बाद है हमारे बम्पर के फुल हाउस के लिए ही वैलिड है। और एक बार एक पल का मजा ले रहे हैं आप देख रहे हैं सभी लोग। और फोन नंबर लिखे होने की, अगर आपके नाम और फोन नंबर नहीं लिखे हैं तो हम आपकी टिकट को मान्य नहीं कर लीजिएगा। जजेस की कमेटी यहाँ पर बैठी है, हमारी कमेटी जो डिसीजन लेती है वो ही फाइनल डिसीजन होगा। ये जूरी आप देख रहे हैं सब। चाड़वास होली महोत्सव में सिंपल सा है गाने, आज दूसरा दिन है। आपके टिकट में एक नंबर है तो आज चाड़वास कार्निवल का आयोजन हो रहा है। जो गाना बजेगा उसके आगे दो नंबर दिए गए, जो विजेता है। गेम शुरू हो रहा है। 39 और 52 ये गेम शो है एक, जिनमें सबके पास नंबरों की पर्चियां हैं, उसके आधार पर इनाम दिए जा रहे हैं। नंबरों का गेम शो है जिसको सभी खेल रहे हैं, बहुत ही मजेदार खेल है ये। इनका नंबर आया है, ये देखे इस बार बहुत सारे गेम आए हैं जो पुरस्कार के लिए आवेदन कर रहे हैं। गाने के बाद में नंबर काटे जाते हैं। 190 के क्लेम कर ले। ये देखिए सबकी टिकटें देखी जा रही है, बहुत सारे दावेदार एक साथ आए हैं इस बार।
अपने पेटी पे लेकर आए हैं, अर्ली सेवन नहीं हुआ है, बच्चा भी है, जो भी है मेरे पास वो मैं बताने जा रही हूँ आपको फटाफट। अब ये म्यूजिक हाउस की खेल हो रहा है, अर्ली सेवन के पुरस्कार बहुत सारे लोगों ने जीते हैं, नगद पुरस्कार दिए जा रहे हैं, सात नंबर के सात विजेता आए हैं और उनको प्राइज दिए जा रहे हैं और सातों में बांट दिए जाएंगे पैसे। जैसे ट्रैक बजता है सभी अपनी पर्ची को देखने लगते हैं, राधे के सभी होली के रंग में नजर आ रहे हैं, कलरफुल चोले पहने हैं सभी ने, आप देख सकते हैं। गाना बजता है उसके बाद में नंबर आते हैं, 33 और 58 नंबर आए इस बार, देखते हैं किसका कटता है इस बार नंबर, गाने के आधार पर नंबर नोट किए गए हैं। ये जुड़वाई सारे जुड़े होने चाहिए, दो ही हो गया कोई भी नहीं, मतलब दो एक साथ जो नंबर, रूल्स बताए जा रहे हैं सभी, देखिए गानों का आनंद लिया जा रहा है साथ में। 1873 पूरे पंडाल में 18 और 73 सब खेल रहे हैं इस खेल को, किसी का कोई क्लेम आता है पीछे से हाथ उठा दीजिए तो हम आपकी क्लेम लेकर जाते हैं, जाते हैं। तो जिनका नंबर कटता है वो क्लेम करते हैं, फिर विजेता ज्यादा होते हैं तो वो राशि बंट जाती है सभी में, हाथ भी रहे सब गानों पर। 24 और 67 कोई खेल रहा है, सभी खेल रहे हैं इस खेल को। नेक्स्ट ट्रैक स्टार्ट करो, देखिए नाच भी रहे हैं खेल भी रहे हैं और गन्ने का रस पिला रहे हैं सब। 5 और सभी आनंद ले रहे हैं खेल का, ये देखिए बेद परिवार पूरा परिवार यहाँ पर आया है इस होली के अवसर पर, बेटियां बहुए सब आप देख रहे हैं और सबने हर खेल में भाग भी लिया है, जो भी एक ही बार चला गया ना उससे देखिए काफी गर्मी भी है और सभी गन्ने के जूस खाने ले रहे हैं, एक एक चीज का सब आनंद ले रहे हैं होली महोत्सव 2024 में। देखिए इन्होंने 900 रुपए जीते हैं यहाँ पर, बहुत ही मनोरंजक खेल है, नगद पुरस्कार दिया जा रहा है तुरंत, बहुत ही शानदार खेल चल रहा है। बस दो क्लेम आए हैं, एक है फिफ्थ लाइन और एक है सिक्स लाइन, तो दो कॉल है प्राइस के क्लेम हो रहे हैं दोनों, मेरा अभी आया है ना, फोर अभी आया ना, फोर अच्छा फोर लाइन अभी हुआ है ना, देखिए नगद पुरस्कार दिए जा रहे हैं बिल्कुल, गानों का आनंद भी और खेल भी साथ साथ चल रहे हैं। बालम छोटो सो 35 और 56 गाने के जो नंबर होते हैं वो बताए जाते हैं और फिर क्लेम होता है, जिनके नंबर कट जाते हैं वो आ जाते हैं, नंबर पर कोई क्लेम नहीं आया इस बार, कोई क्लेम 13 और 78 में हमारे पास क्लेम आया है और एक ही क्लेम आया है, एक क्लेम हो रहा है, देखिए इस बार कई क्लेम आए हैं, इस बार कई क्लेम है। सुचित्रा जैन भी नंबर बोले जाते हैं, सब अपने पेपर को चेक करते हैं कि वो नंबर कटा है क्या इन पेपर में। चाड़वा सोनी महोत्सव रघुवीरा 3 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है, आप लोगों को समझ आ गया था ना, एलओटी और सैंडविच इधर दे दे वो भी बाकी है।
एन चला गया, क्या चीज की लाइन है? एन भी बंटवारा होगा, कई क्लेम है, प्राइस का बंटवारा होगा, सैंडविच हो जाता है। गाना चलते ही क्लेम आ गया, क्लेम इस गाने पर। देखिए जीत की खुशियां, नाच रहे हैं, सही नहीं था किसी का क्लेम। जिसको एक बार एक प्राइज मिल गया है वो सिर्फ और सिर्फ फुल हाउसिंग के लिए क्लेम कर सकता है। क्यों कर रहे हैं? इस बार देखिए कितने क्लेम आए हैं, और उनका बंटे का सबका चले, ताकि वापस स्टार्ट के लिए। पर आप क्लेम हेलो, अभी देखो, अभी मैं आपको बता दूं जो जो बाकी है। आगे बढ़ो, जवानी, एक्सक्यूज मी, आप तो हो गया, जवानी बाकी है, फुल हाउस दोनों टिकट बाकी है, सरप्राइज बाकी है, टी लाइन बाकी है, जुड़वा देखिए टी लाइन की चीजें बाकी है। सामने इतना देर के बाद उठ के आ रहे हैं तो टी लाइन हम नहीं देंगे, फुल हाउस हो गया। सामने सामने सेकंड हाउस की, हेलो हेलो, अब एक बार मैं फिर से बोलती हूँ जो जो बाकी है। 1350 रुपए जीते इन्होंने, सेकंड हाउस के विजेता है ये। सभी मगन हो रहे हैं खेल में पूरी तरह से, देखिए सबकी नजरें जो है वो इन 38 और 53 है। भर जवानी में नाव डूब गई, देखिए विजेता आ रही है इनाम लेने, एक और आई है क्लेम लेकर। जुड़वा का रोकड़ा दिया जा रहा है, वो प्राइस बन रहे हैं। देखिए मैं तो आप पहले हाथ उठा के फटाफट आइए, अगर आप लेट आएंगे तो प्लीज वो क्लेम वैलिड नहीं होगा। ये देखिए दौड़ते हुए आ रहे हैं, अब तो बहुत थोड़ी सी चीजें बाकी है, फिर भी आपको इतना क्यों सोचना पड़ रहा है? देखिए इनाम की खुशी देखिए चेहरे पर, ये देखिए इनाम जीतने की खुशी देखिए, फुल हाउस का क्लेम कर रहे हैं ये जो बड़ा प्राइस है। ये पूरी टीम इनाम लेने पहुंची है यहाँ पर, देखिए फुल हाउस का प्राइस लेने के लिए टीम पहुंची है, और ये देखिए फुल हाउस का प्राइस खुशियां, देखिए पूरी टीम इनाम लेने पहुंची है। बहुत ही शानदार खेल आप हाउसी का, देखिए यहाँ पर भी फुल हाउस की टीम इनाम लेने पहुंची है। कितने दावेदार पहुंचे इस बार, कई दावेदार पहुंचे, देखिए खेलों के बाद सब घूम रहे हैं। ये देखिए संजय जी भटेरा का गाना है ये, चार।
संजय जी बटेरा ने गाना गाया है इस होली महोत्सव का। चाड़वासरी में तो खेलन जावाला, साथी रासन मिलकर में तो चंग धमाल बजावाला। अब की होली चाड़वासरी में तो खेलन जावाला, साथी रासन मिलकर में तो चंग धमाल बजावाला। रंग बिरंगी रे आहोली चाड़वासरी, रंग बिरंगी रे आहोली चाड़वासरी, चाड़वासरी, चाड़वासरी।